नमस्कार, मैं इस वक्त सत्तो गांव से कुछ ही किलोमीटर पहले हूँ। सत्तो जैसलमेर बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है वहां से कुछ ही किलोमीटर पर है, और यहां पर इस बियावान में शैतान सिंह रावलोत जी ने एक मिल्क स्टेशन बनाया है। इस मिल्क स्टेशन में वो इस 200 किलोमीटर की परिधि से दूध कलेक्शन करते हैं, अलग अलग जगहों से कलेक्ट करके यहाँ आता है, फिर यहाँ से वो आगे बढ़ता है। तो इस स्टेशन के अंदर मैं जाऊँगा, शैतान सिंह जी से बात करूँगा कि वो कैसे यहाँ कैसे किस मैकेनिज्म में काम करते हैं, क्या मशीनरी लगाई हुई है, कैसे वो दूध की टेस्टिंग करते हैं, सारी बातें आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ आइए, आपको बहुत ज़रूरी जानकारी मिलने जा रही है आज। बेसिक जानकारी दीजिए, कैसे दूध आता है, कहाँ पर आता है, फिर कैसे आगे बढ़ता है, उसके बारे में। बेसिकली हम सिर्फ गाय के लिए काम करते हैं, इसलिए केवल देसी भारतीय नस्ल की गाय का ही दूध लेते हैं, और यहाँ थरपारकर का बेल्ट है तो विशेष रूप से थरपारकर का ही दूध लेते हैं। और सबसे पहले तो हमारे गाँव में सेंटर है, उन सेंटरों पर गोपालक आके देते हैं, वो सेंटर वाला उसको कलेक्ट करके कैन भर के वो गाड़ी से यहाँ भेजता है। और गाड़ी जब यहाँ आती है तो हम उसको यहाँ पे सैंपल की टेस्टिंग होती है। वो कौन सी जगह सैंपल की टेस्टिंग वाली? यहाँ आते ही उसको ब्लेंडर से हिला के जी कैन से दूध का सैंपल लेते हैं। ये सैंपल है। अच्छा, ये सैंपल में हम दूध लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद में फिर इसमें ये कांटा है। अच्छा, दूध इसमें डालते हैं। अच्छा, इसमें डाल के इसका वजन करते हैं, वहाँ उसका वजन आता है। अच्छा, जैसे दूध उसमें डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ दूध का वजन आ जाता है। अच्छा, वजन दूध का वजन आ जाता है। वो सैंपल जो हमने ऊपर लिया था वो इस मशीन में लगाते हैं यहाँ। अच्छा, वो ये मशीन है, उस सैंपल में कितना फैट है, कितना CLR है, कितना पानी है, वो सारा ये मशीन बताती है। मतलब सैंपल दूध की क्वालिटी चेक होती है। अच्छा, वहाँ क्वांटिटी चेक होती है, यहाँ क्वालिटी चेक होती है। अच्छा, तो ये मिलावट को भी पकड़ लेता है? हाँ, मिलावट को ये पकड़ लेता है। हर तरह के दूध पानी यूरिया जो भी है वो मशीन है उसको डिटेक्ट कर लेती है। अच्छा, दूध के अलावा मान लो कुछ है तो वो बिल्कुल सैंपल को बोलती है कि दूध का सैंपल नहीं है। अच्छा, तो ये हाईटेक मशीन है? हाँ। अच्छा, तो ये इंडियन मेड है? नहीं, ये बाहर की है। अच्छा, बल्गूरिया की मशीन है। अच्छा, बल्गूरिया की। हाँ, इंपोर्टेड है। अच्छा, तो इसके बाद नीचे मैं देख रहा हूँ। फिर सीधा इसमें डम टैंक में चला जाता है और ये इसको फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, तो रेत वगैरह जो भी है दूध में वो सारी निकल जाती है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि रेगिस्तान है, मिट्टी है, मिट्टी है, रेत है, मिट्टी में आ जाता है। फिर यहाँ ये मोटर है। अच्छा, फिर इससे मोटर से उठा लेते हैं, अंदर आता है। अच्छा, अंदर वाले हिस्से में समझते हैं क्या है, कैसे है ये। फिर चीलर है। अच्छा, ये चिलर है। ये चिलर है, बेसिकली दूध को ठंडा करता है। अच्छा, तो अच्छी क्वालिटी का दूध है उसको हम लेके फिर चिलर में आता है, मोटर से आता है। अच्छा, फिर यहाँ पे ठंडा पानी आता है। ये जो टैंक है इसमें 0 डिग्री का, वो उसका टेम्परेचर दिखा रहा है। अच्छा, 0 डिग्री का पानी है। 0 डिग्री का पानी है। हाँ, इसमें। अच्छा, जो पानी को हमने ठंडा कर रखा है। अच्छा, ये मशीन है, ये पानी को ठंडा करती है। अच्छा, ये वाली मशीन मशीनरी है। हाँ। ये अमोनिया गैस है। अच्छा, अमोनिया गैस से इसको पानी को ठंडा करती है। अच्छा, फिर ठंडा पानी हम इस पाइप के थ्रू लेते हैं। इस पाइप के थ्रू पानी इस टैंक का लेके, और ये पानी चिलर में आता है, दूध भी चिलर में आता है। अच्छा, तो ये ठंडा, इसमें प्लेटें हैं, एक साइड दूध चलता है और उसके दोनों साइड ठंडा पानी चलता है। प्लेटों के बीच में जो दूध होता है वो ठंडा हो जाता है। अच्छा, ये इसमें कंटिन्यूसली रोटेट करके आगे पीछे चलते हुए जब अंदर घुसता है तब लगभग इसकी 30-35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अच्छा, और जब यहाँ से बाहर निकलता है तो इसका 4 डिग्री तापमान होता है। अच्छा, मशीन के अंदर घुसता है तब तो 30-35 डिग्री होता है, गर्मियों में 40 भी चला जाता है, सर्दियों में 30 के आसपास होता है। अच्छा, और जैसे इस मशीन से प्रोसेस होकर दूध बाहर आता है तो दूध का टेम्परेचर हो जाता है 4 डिग्री।
अच्छा, और 4 डिग्री दूध एवरेज 5 के थ्रू हमारा टैंक है, इस टैंक ये इंसुलेटेड टैंक है। अच्छा, ये सीधा इंसुलेटेड टैंक में चला जाता है। तो ये कितने लीटर का ये टैंक है? ये 15,000 लीटर का टैंक है। 15,000 लीटर का, तो आपका कितना कलेक्शन हो जाता है फिर? अभी हमारा करीबन 7-8 हजार लीटर के आसपास है। अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में गाय का दूध कम होता है। अच्छा, गर्मियों में गाय भी आती है, गर्मी और बारिश में गाय का दूध पीक पे होता है। अभी हमारा लीनियर सीजन है, इसमें थोड़ा दूध कम होता है, 7-1 हजार लीटर दूध होता है। वैसे हमने 20 हजार लीटर दूध ले रखा है इस प्लांट में, लेकिन ये 30,000 कैपेसिटी का ये प्लांट है। अच्छा, तो 15,000 लीटर का टैंक है, इसमें दूध आते हैं, ये इंसुलेटेड टैंक है। अच्छा, इस टैंक में जिस 4 डिग्री का दूध डालेंगे तो ये 4 डिग्री का ही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा, ये थर्मस टाइप इसके अंदर इंसुलेशन किया हुआ है। तो ये कब तक रहेगा ऐसा? ये 24 घंटे ये ठंडा रहेगा। अगर 24 घंटे से ज्यादा हमको स्टोर करना है तो हमको वापस इस पाइप से लेके इसी मशीन से उसको गुजारना पड़ेगा। तो ये वापस रोटेशन में लेके इसको घुमाएंगे तो ये वापस ठंडा हो जाएगा। दूध का एक नेचर होता है, दूध को अगर बिलो 5 डिग्री आप रखते हो तो दूध खराब नहीं होता, क्योंकि दूध के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो 4-5 डिग्री से नीचे आने के बाद में वो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं करते। दूध को खराब करने का जो काम करते हैं वो बैक्टीरिया अपना काम बंद कर देते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। तो दूध को बिलो 5 डिग्री रखने से ये दूध 24 घंटे 48 घंटे इसमें सुरक्षित रहता है। तो ये पाश्चराइज मिल्क? पाश्चराइज नहीं है, ये चिल्ड मिल्क है। ये चिल्ड मिल्क, फिर यहाँ से हम ले जाते हैं हमारे दूसरे प्लांट जी, वो बड़ा प्लांट जो राणासर में लगा हुआ है, वहां पे हम पाश्चराइज भी करते हैं। अच्छा, उससे मिठाई भी बनाते हैं जी, उससे घी भी बनाते हैं और उससे मक्खन भी बनाते हैं। अच्छा, और बाकी दूध जो सरप्लस बचता है उसको पतमेड़ा गौशाला की डेयरी है उनको देते हैं, और भी कोई अगर गाय का दूध देना चाहता है तो उनको बेचते हैं। तो घी आप किस रेट बेचते हैं? घी हम तो अभी कॉमर्शियली वाइबल है और 750 रुपए में अभी हम दे रहे हैं, मतलब क्योंकि हम क्रीम से घी बनाते हैं, क्रीम निकला हुआ दूध है उसको वापिस बेचते हैं, तो उससे कीमत वाइबल होती है। नहीं तो हमारा दूध ही हम 36 रुपए में यहाँ खरीदते हैं। अच्छा, तो 36 रुपए में मान लो 40 लीटर घी बनाए तो भी वो 1400 रुपए तो दूध की कीमत ही हो जाती है, बाकी कीमत वसूल नहीं पाते। और नहीं तो हमको 700 में अवेलेबल हो जाता है, तो हम यहाँ से 700 में देते हैं, लेकिन हम दुनिया के छोर पे बैठे हैं, यहाँ से जाते जाते 1000 रुपए का हो जाता है पूरे देश में जहाँ भी जाते हैं। सही बात, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीजें लगती है। तो हम क्या है कि आधा दूध जो क्रीम निकला हुआ दूध है उससे पैसे ले लेते हैं, आधा घी से लेते हैं, तो हमारी कीमत भी निकल जाती है, आगे ग्राहक को भी गाय का शुद्ध घी मिले और अच्छी कीमत कम कीमत में मिल जाए। हम देख रहे हैं कि राजस्थान में मतलब ये थार के एरिया बस का ही एरिया कहलाएगा ये, तो इसके बीचों बीच इतने कैसे सोचा आपने? गाय के लिए लगाने का विचार था और यहाँ नहीं लगाते हैं तो गाय का दूध पहुंच नहीं पाता। यहाँ आप अभी घूम के आए हैं, 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर दूर से दूध आता है और इसको प्रोसेस करके आगे बेचने से गाय के दूध को कीमत और गाय को सही वाजिब दाम मिलना, और गोपालक जो है वो घर छोड़ के गाय को लेकर शहर तो जा नहीं सकते जी, तो गोपालकों के बीच में डेयरी लगाकर और उसके दूध को प्रोसेस करके और इसको आगे भेजें ताकि गोपालन को बढ़ावा मिले, वो गोपालकों को सुविधा मिले और उनको अच्छे दाम मिले, इसी पर्पज से फिर यहाँ प्लांट लगाया। ये बर्फी है, ये वाली बर्फी है? हाँ, ये केसर पेड़ा है जो हमारा स्पेशल है, केसर डाल के बनाते हैं इसमें। अच्छा, और ये पेड़ा है, मलाई पेड़ा बोलते हैं इसको, पेड़ा, ये केसर पेड़ा, केसर पेड़ा और ये बर्फी, ये बर्फी। तो बर्फी आप अगर आपसे कोई खरीदना चाहे तो कितने रुपए किलो बिकती है? बर्फी हम 400 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा, ये सारी मिठाई 400, केसर पेड़ा 450 रुपए। अच्छा, तो केसर इसमें ऐड करते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है, बाकी सब दूध ही है, गाय के दूध से बनती है, इसमें शक्कर के अलावा कुछ नहीं डालते। तो आपने अपना ब्रांड बनाया है या? हाँ, हमारा अपना गो गव्यम करके ब्रांड है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, अभी हमने शुरू किया है नवरात्रि में तो उसको शुरू कर रहे हैं। ये 3 प्रोडक्ट हम मावे के बनाते हैं ताकि गाय को दूध को अच्छी कीमत मिल सके। तो आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं कि? ऑनलाइन नहीं भेजा सकता क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ है वो 10 दिन है, सर्दियों में तो महीना दिन खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मी में इसकी सेल्फ लाइफ है वो 10 दिन है, इसलिए मावे की मिठाई है तो 10 दिन के अंदर कंज्यूम हो जाए। तो हम हमारे जो डीलर के थ्रू है वो उतना ही अहमदाबाद से दिल्ली तक भेजते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अहमदाबाद जाता है और यहाँ दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर यहाँ तक जा सकते हैं। ऑनलाइन मुश्किल है काम? हाँ, ऑनलाइन मुश्किल है क्योंकि उसमें समय लग जाएगा तो फिर इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, हम इसमें प्रिजर्वेटिव डालना ही नहीं चाहते। अच्छा, अगर प्रिजर्वेटिव डाले तो इसकी सेल्फ लाइफ महीना भर हो सकती है, लेकिन वो हम काम अमृत के साथ में जहर मिला के नहीं देना चाहते। तो ये भी देसी गाय? ये देसी गाय की दूध की बनी हुई है, इसमें दूध और शक्कर और इलायची के अलावा कुछ नहीं डालते, जो इनसे टेस्ट आता है वो गाय के दूध का आता है। तो इसकी यूनिट कहाँ लगी, ये कहाँ बनता है? ये राणासर में हमारा जो दूसरा प्लांट है, यहाँ से 200 किलोमीटर आगे वो भी बॉर्डर पे है, वो उसमें हमने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। यहाँ ये डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर है इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ बड़ा प्लांट लगाया है, उसमें मावा भी बनता है, घी बनता है और भी बनता है, सारी चीज़ें होगा जी। बहुत धन्यवाद।